हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसो मैन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा भीम डेंजी को उसकी ट्रू पावर्स समझाने की कोशिश करता है, पर डेंजी शार्क पर सवार होकर टाइफून डेविल का मुकाबला करने का डिसाइड करता है। और उसी वक्त बॉम्ब डेविल वहां पर पहुंचकर डेंजी के ऊपर एक ब्लास्ट करती है, पर शार्क सारा डैमेज खुद पर ले लेता है। और आखिर में डेंजी और बॉम्ब डेविल की लड़ाई में डेंजी बॉम्ब को अपनी चेनसों से बांधकर पानी में कूद जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम रीज, शार्क और डेंजी को देखते हैं, जहां पर डेंजी समुद्र की तरफ देख रहा था। और उसी वक्त रीज भी होश में आ जाती है, और डेंजी चाहता तो रीज को मार सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए रीज डेंजी से पूछती है कि आखिर डेंजी ने उसे क्यों बचाया, जिस पर डेंजी कहता है, मैं इस वक्त अपनी सबसे अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, और चाहे मेरे साथ जितना भी बुरा क्यों ना हो, पर अगर मुझे अगले दिन अच्छा खाना खाने को मिलता है तो मैं सारी बातें भूल जाता हूँ। जिसके बाद डेंजी आगे बताता है कि वो रीज को पब्लिक सेफ्टी के हवाले नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो शायद उसे अच्छा नहीं लगेगा। और ये सब सुनने के बाद रीज डेंजी को कहती है, क्या तुम्हें यकीन होगा अगर मैं कहूँ कि मैं इस वक्त तुम्हें मार सकती हूँ? जो सुनने के बाद डेंजी कहता है, अगर वो कभी मरा तो वो एक सुंदर लड़की के हाथों मरना पसंद करेगा। जिस पर रीज डेंजी से पूछती है, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें अभी भी पसंद करती हूँ? जिसके बाद रीज डेंजी को साफ साफ बोल देती है कि जितनी भी बातें उनके बीच में हुई वो सब झूठ था, सिर्फ एक दिखावा। जिसके बाद डेंजी अजीब सा मुंह बनाता है और रीज डेंजी की तरफ एक बार देखती है और पीछे घूम के कहने लगती है, मैं हार चुकी हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ से भाग रही हूँ। जिसके बाद डेंजी रीज को रोकता है और पूछता है, क्या वो उसके साथ भागना चाहेगी? जिस पर रीज को यकीन नहीं होता और रीज जाते जाते बोलती है, मैं कई लोगों को मार चुकी हूँ और इसके बाद भी तुम मुझे जाने दे रहे हो। और रीज डेंजी को ये भी बोलती है कि इन सब से वो एक क्रिमिनल की मदद कर रहा है। जो सुनने के बाद डेंजी कहता है, एक आदमी वही करता है जो वो करना चाहता है। और डेंजी रीज को बोल देता है कि वो अभी भी उसे पसंद करता है, और कहता है, चाहे अभी तक की सारी चीज़ें झूठी ही क्यों ना हो, पर एक बात तो सच थी कि तुमने मुझे स्विमिंग करना सिखाया है। और ये सब सुनकर रीज डेंजी के पास आती है और उसके मुंह और गाल पर कुछ पॉइंट्स को दबाती है, और डेंजी चिल्लाता है और वहीं गिर जाता है। और डेंजी अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद रीज डेंजी को जाते जाते कहती है कि उसे थोड़ी अक्ल की ज़रूरत है। और डेंजी रीज को चिल्लाते हुए कह रहा था कि वो शाम को उसका उसी कैफे में इंतजार करेगा, और डेंजी रीज का पीछा करना चाहता था, इसलिए वो भीम को भी आवाज़ दे रहा था, पर भीम गहरी नींद में आराम से सो रहा था। और इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि काफ़ी सारी पुलिस एक जगह पर इकट्ठा थी, और हम देखते हैं किशिबे और आकी को। और किशिबे ये सारी सिक्योरिटी और पुलिस का हमें रीज़न बताता है कि, आकी, क्या तुम जानते हो, सोवियत की मदर्स अपने बच्चों को डांटते वक्त एक बात कहा करती थी कि आर्मी में एक खुफिया कमरा है जहां पर उन बच्चों को रखा जाता है जिनके पेरेंट्स नहीं होते, और वहां के बच्चों को आज़ादी भी नहीं दी जाती है, और उनकी बॉडी पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। और वैसे इसे सिर्फ एक कहानी माना जाता था, पर हाल ही में ये पता चला है कि इस तरह का कमरा रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, और उस कमरे में बंद बच्चों में से एक रीज भी है। और गाइस, इससे हमें याद आता है कि प्रीवियस एपिसोड में हमने रीज को रशियन बोलते हुए देखा था, जो कि इस बात को प्रूव करता है। और दूसरी तरफ रीज उसी जगह डोनेट करती है जहाँ पर डेंजी ने भी डोनेशन दिया था, और वो लोग रीज को भी एक फ्लावर देते हैं। और किसी में बताता है कि उस कमरे में रहने वाले बच्चों को गुएना पिक्स बोलते हैं। और रीज रेलवे स्टेशन पर होती है, पर शायद उसे वो फ्लावर देखकर डेंजी की याद आती है, और वो डेंजी से मिलने के लिए उसी कैफे में जाने लगती है। पर जब रीज रास्ते में ही होती है, उसी वक्त वहाँ काफी सारे चूहे आ जाते हैं, और वो सब एक जगह इकट्ठे होकर कहते हैं, मैं भी। और वहाँ माकिमा आती है और वो कहती है, मुझे गांव के चूहे पसंद है। और माकिमा एक चूहे को पकड़कर बोल रही थी कि बर्फ के गिरने से पहले तुम्हें अपने खेत को खोदकर चूहों पर कुत्ते छोड़ने पड़ते हैं ताकि वो चूहों को मार दे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी फसल चूहे बर्बाद कर देंगे। इसलिए माकिमा को गांव के चूहे पसंद है क्योंकि उसे उन्हें मरता देखकर शांति मिलती है।
जिसके बाद रीस ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करती है और माकिमा उससे पहले ही एक शार्प रॉड से रीस का हाथ काट देती है और फिर रीस माकिमा पे चाकू से वार करने की कोशिश करती है पर ऊपर से एंजल रीस को मार देता है और माकिमा आखिर में भी रीस को ट्रांसफॉर्म नहीं होने देती और रीस मरते मरते डेंजी को कहती है कि उस दिन रीस ने डेंजी को स्कूल में इसलिए नहीं मारा था क्योंकि रीस खुद भी कभी स्कूल नहीं गई थी। और इन सब के बाद माकिमा एंजल से पूछती है कि वो आकी को साथ क्यों नहीं लाया और हमें पता चलता है कि एंजल आकी के हाथों किसी लड़की का खून नहीं होने देना चाहता था। और एंजल माकिमा से पूछता है क्या शहर एक अच्छी जगह है और हम दूसरी तरफ डेंजी को देखते हैं जो हाथ में फ्लावर्स लेकर रीस का इंतजार कर रहा था और इंतजार करते करते शॉप के बंद होने का समय हो जाता है और कैफे का मालिक डेंजी को समझाता है कि उसे रीस को भूल जाना चाहिए, वो नहीं आने वाली। पर डेंजी उस आदमी की बात को अनसुना कर देता है और उसी वक्त शॉप का डोर खुलता है और डेंजी काफी खुश हो जाता है और वहां से पावर निकल कर आती है और पावर कह रही थी मैं आ गई, मैंने तुम्हारी खुशबू से तुम्हारा पता लगा लिया। और पावर को देखकर डेंजी का मूड ही खराब हो जाता है और पावर डेंजी के पास आके कहती है ये फूल कितने सुंदर है, ये तो सिर्फ मेरे लिए ही बने हैं। जिसके बाद डेंजी पावर की शक्ल देखता है और फिर उन फ्लावर्स को देखता है और उन्हें खाने लगता है और पावर चिल्ला रही थी कि उन फूलों को मत खाओ, वो मेरे हैं। और इन सबके बाद हम देखते हैं कि डेंजी सो रहा था और उसे फिर वही सपना आता है जिसमें दरवाजे के पीछे वाला आदमी डेंजी को दरवाजा खोलने से मना कर रहा था और डेंजी की नींद टूट जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सब खाना खा रहे थे और पावर मियाओ को डांट रही थी क्योंकि वो उसे छोड़कर डेंजी के साथ सोती है। पर डेंजी तो कुछ और ही सोच रहा था, वो कॉफी की तरफ देखता है और उसे रीस की याद आती है और डेंजी निराश होकर कहता है मेरा दिल तो रीस चुरा के ले गई और अब मैं कभी भी खुशी या उदासी को महसूस नहीं कर पाऊंगा। और फिर ऑफिस में माकिमा डेंजी आकी और पावर को उसके साथ बाहर जाने के लिए पूछती है और डेंजी खुशी से उछल पड़ता है कि वो जरूर जाएगा पर पावर बताती है कि वो उस समय बिजी है। जिस पर माकिमा कहती है वो तभी चलेंगे जब सब फ्री होंगे और डेंजी कह रहा था माकिमा के साथ ट्रिप, इसी कारण की वजह से तो मैं जिंदा हूँ। और वह अचानक से बहुत सारे लोग कमरे में आ जाते हैं और वह माकिमा के पास जाकर उसे कुछ कहते हैं जिसके बाद माकिमा कहती है कि एक प्रॉब्लम आ चुकी है और सब टीवी चालू करते हैं और हम देखते हैं कि पूरे न्यूज चैनल में डेंजी के ही चर्चे हो रहे थे कि डेंजी इंसानों का दोस्त है या दुश्मन। और ये उस वक्त का सीन है जब डेंजी कटाना मैन से लड़ रहा था। ये न्यूज़ टीवी पर देखकर डेंजी और पावर काफ़ी खुश थे पर बाकी लोग नहीं। माकिमा बताती है कि वो बहुत लंबे समय से डेंजी को मीडिया में आने से बचा रही थी पर बॉम्ब डेविल ने ये न्यूज़ टीवी तक पहुंचा दी और डेंजी का टीवी में आना सच में एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि डेंजी ना ही डेविल है और ना ही फीड और डेंजी को यही चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बनाती है। और इसी वजह से माकिमा बहुत परेशान थी क्योंकि ये न्यूज़ अब पूरे वर्ल्ड में पहुँच चुकी थी और माकिमा को यकीन था चाइना और अमेरिका अब डेंजी को पाना चाहेंगे और इसलिए माकिमा सिक्योरिटी बढ़ा देती है और माकिमा डेंजी को कहती है कि अब उसे उतनी आज़ादी नहीं दी जाएगी आने वाले खतरे की वजह से क्योंकि अब पूरी दुनिया से मर्डरर डेंजी को मारने आने वाले हैं। और माकिमा ट्रिप भी पोस्टपोन कर देती है और फिर माकिमा वहाँ से चली जाती है और वो आकी को कह रही थी आने वाले साल में हमारा मुकाबला गन डाइवर के साथ होने वाला है तो तुम कोशिश करना कि इन सब में ना मर जाओ क्योंकि गन डाइवर से लड़ते वक्त हमें सभी की ताकत की ज़रूरत होगी। और इसके बाद हम आकी और एंजल को खाना खाते देखते हैं जहाँ पर एंजल आकी को बता रहा था कि डाइवर्स कभी नहीं मरते और नर्क में जो भी डाइवर मरता है उसका जन्म इंसानों की दुनिया में होता है। जिस पर आकी पूछता है तो तुम भी तो एक डेविल हो, क्या तुम्हें नर्क याद है? जिसके जवाब में एंजल कहता है क्या तुम्हें तुम्हारी माँ की कोक याद है? आखिर तू कहना क्या चाहता है? जिसके बाद एंजल आकी से कहता है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसे राज रखना। मैंने दूसरे डिवीजन के डेविल से बात की पर उनमें से किसी को भी नर्क याद नहीं है पर एक आवाज है। कैसी आवाज? और एंजल बताता है ये आवाज स्पेशल डिवीजन में हर किसी को याद है और ये आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जब मैंने डेंजी की चेन्सो का इंजन स्टार्ट किया था। और फिर हम अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी को देखते हैं जहाँ पर हमें तीन भाइयों को दिखाया जाता है और इनके घर में टीवी चल रहा था जिस पर डेंजी की न्यूज आ रही थी और अमेरिका में डेंजी के ऊपर अब तक इनाम तक रखा जा चुका था कि जो भी डेंजी को अमेरिका लेकर आएगा उसे $2 मिलियन दिए जाएंगे
और इतना बड़ा अमाउंट सुनकर वो सरप्राइज हो जाते हैं। पर फिर उनमें से एक कहता है, ये वाली जॉब खतरनाक है और हो सकता है इसमें हमारी मौत भी हो जाए। जो सुनने के बाद उनमें से दूसरा कहता है, मौत? भाई हम तीनों मर ही नहीं सकते। जिसके बाद वो तीनों बातें करते हैं कि क्या उनमें से कोई अपनी डेथ इमेजिन भी कर सकता है, जिसके बाद उन्हें ऐसा कोई तरीका ही नहीं दिखता जिससे वो मर सके। और हमें पता चलता है कि ये तीनों मर ही नहीं सकते। और वो बताते हैं कि उन्हें पहली बार डेविल ने निगल लिया, दूसरी बार फूड पॉइजन, और उससे भी बदतर गन डेविल ने इनके घर पर हमला कर दिया था, जिसमें परिवार में इनके पेरेंट्स और दादी मर गई, पर इन लोगों को कुछ नहीं हुआ। और ये तीन भाई निकल जाते हैं डेंजी को हासिल करने के लिए, और वो कह रहे थे, हम अमर हैं। और गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और आगे क्या होगा, आखिर डेंजी इन लोगों का सामना कैसे करेगा, ये सब हम देखेंगे इसके अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।